अगर आपको फ्लिपकार्ट में एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये लिखा गया है बेसिकली, वे आर सॉरी, वे रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बिन डिक्लाइनेड एज इट वॉज डस नॉट मीट योर बैंक पॉलिसी नॉर्म्स। ठीक है, तो क्या दिक्कत है और हमारा जो है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रिजेक्ट होने के क्या क्या दिक्कत होती है, मतलब क्या रीज़न हो सकता है और कब आपको रीअप्लाई करना है, कैसे रीअप्लाई होगा, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। कितना दिन यहाँ पे आप रीअप्लाई के लिए ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका रिजेक्ट होने का जो सबसे मेन रीज़न होता है, जो मेन कारण बताया जाता है, वो होता है आपका क्रेडिट कार्ड एक तो इनएक्टिव है, ट्रांजैक्शन उसके ऊपर बहुत सारे नहीं हुए हैं, काफ़ी कम ट्रांजैक्शन अगर उसके ऊपर होते हैं तो क्या होता है कि आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का आपका मतलब सही तरीके से उसका स्कोर आपको मेंटेन करना होगा और उसका यूज़ आपको आपका होना चाहिए। अगर सिविल स्कोर छोटा है, कम है, यूज़ आपका बहुत कम है उसका, ठीक है, तो उस केस में आपका ये जो है रिजेक्ट कर देता है। और दूसरे केस में देखिए कि आपके बैंक ने भी आपको अलाउ कर रखा है, तो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसे यूज़ करने के लिए, मतलब लगभग 90% तो ऑन होते ही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, बट कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बैंक वाले ब्रांच वाले जो होते हैं वो एक्टिव नहीं करवाते आपका, सिर्फ आपका जो है मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए होता है। अगर आप कोई ऑनलाइन उसको यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वो हो नहीं पाता है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिए बैंक से। अब बात आती है कि इसको हम रीअप्लाई कब करेंगे, तो देखिए रीअप्लाई करने का जो मंथ है यहाँ पे अभी फ्लिपकार्ट में अलग अलग अकाउंट में अलग अलग है, किसी में 15 दिन में भी हो जाता है, किसी में आप 1 महीने बाद रीअप्लाई कर सकते हैं, किसी में आपको 90 डेज 90 दिनों तक वेट करना पड़ता है रीअप्लाई के लिए। ठीक है, तो बाकी आपको अगर रीअप्लाई का ऑप्शन नहीं आता है तो रिमूव कर दीजिए अपने कार्ड क्रेडिट कार्ड को और वापस से जो है अपने कार्ड को वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद चेक कीजिए, अगर आपका फिर भी यही दिखाता है देन आपको स्कोर तो आपका बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है।